ओके, हेलो एवरीवन, माय नेम इज नीतीश एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स, और हम लिटिल बिट इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1 ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर इक्वेशन के कितने जीरोस हैं, हम सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वन बाय वन। अब बने रहिए, और हाँ, जो भी वीडियो देखते हैं, ठीक है, प्लीज वो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, क्योंकि YouTube की एल्गोरिदम होती है, वो ये चीज चेक करती है कि कितने लाइक्स आ रहे हैं। अगर आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो YouTube खुद आपको रेकमेंड करेगी इस वीडियो को कि यहाँ पे कुछ अच्छा कंटेंट मिल रहा है जो बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, आप इतना मेरे लिए कर दिए, थैंक यू, चलो करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, पोली पोली मींस लॉन्ग इनफाइनाइट चेन्स, ठीक है। सो हम लोग पॉलिनोमियल में बहुत सारे नोमियल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ओके, अब देयर आर लीनियर टाइप्स को पढ़ने जा रहे हैं हम, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? ऐसी इक्वेशन जिनकी हाईएस्ट डिग्री वन होती है। अब डिग्री क्या होती है, हम लोगों ने ऑलरेडी 8th और 9th क्लास में ये चीज पढ़ते हैं। डिग्री डिग्री होती है, जैसे कोई हमारी इक्वेशन, जैसे मैं इक्वेशन लिख रहा हूं 2x + 3। अब यहां पे x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1, ठीक है, 1 मींस इसकी पावर कितनी है? 1। सो दिस इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मींस ये हम लोगों को स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, स्ट्रेट इक्वेशन इस केस में बनेगी, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड आ जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड क्या आ जाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके, व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? जैसे आप लोगों को पता है, लीनियर की मैंने बोली हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कितनी है? हाईएस्ट डिग्री कितनी है? हाईएस्ट डिग्री आएगी 1, राइट? एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री आएगी वो आएगी 2, राइट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितनी आएगी हाईएस्ट डिग्री? 2 आ जाएगी, ठीक है। दिस इज द जर्नल फॉर्म हाउ टू राइट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का एक जर्नल मेथड है। अब इस जर्नल मेथड में मैं वैल्यूज को कि ए बी सी की कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाती है क्यूबिक, राइट? इस तरीके से जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी, उस तरीके से जो पॉलिनोमियल है उनकी अपडेशन होती जाएगी, ठीक है, वो अपग्रेड होती जाएंगी। अब क्वाड्रेटिक में, सॉरी, क्वाबिक क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको खुद से पता चल जाएगा, अब हाईएस्ट डिग्री कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, ठीक है। दिस इज द, व्हाट इज दिस? दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसको किस तरीके से लिखेंगे? ए बी सी की और डी की मैं वैल्यू कुछ भी पुट कर दूंगा, ठीक है, प्लस और माइनस दोनों में हो सकती है, राइट? और ये हमारी क्या आ जाएगी? ये हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ टाइप्स होते हैं जो हम 10th क्लास तक पढ़ते हैं, ठीक है। उस तरीके से डिग्री इंक्रीज होती जाएगी तो हमारे पॉलिनोमियल्स भी क्या होते जाएंगे? चेंज होते जाएंगे, राइट? ओके, सो नेक्स्ट इज, जैसे हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन क्या बोल रखा है? द ग्राफ ग्राफ्स ऑफ वाई इज इक्वल टू पी एक्स। अब वाई इज इक्वल टू पी एक्स का मतलब ये है कि हमारे पास एक्स एक्सिस होती है और वाई एक्सिस होती है। तो वाई एक्सिस को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? हम वाई एक्सिस को पी एक्स कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, जैसे हमने पीछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा था, उसको हम पी एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और उसको हम वाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राइट? ओके, फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। ओके, व्हाट दे सेड? जीरोज। नाउ व्हाट इज दीज जीरोज? ये जीरोज क्या है? जीरोज पॉलिनोमियल के, जैसे ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है, जीरोज पॉलिनोमियल इक्वेशन के वो फैक्टर हैं जो उस पॉलिनोमियल इक्वेशन को क्या कर दें?
टोटली जीरो बनाते, मतलब कि ऐसी वैल्यू एक्स की जो हम लोगों को फाइनल रिजल्ट क्या प्रोवाइड करवाए, जीरो प्रोवाइड करें, लेकिन वाई की वैल्यू कितने हो, जीरो मींस पीएक्स कितना हो, जीरो। आई होप आपको मेरी बात का पता चल रहा, ठीक है। जीरोस क्या होते हैं, जैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं, राइट, हम क्या करते हैं फैक्टराइजेशन, इस तरीके से हमारी इक्वेशन के फैक्टर्स बनाते हैं हम लोग, आगे बनाएंगे हम लोग करेंगे, ठीक है। मान लो ये फैक्टर्स हैं, तो यहां पे x की वैल्यू क्या है, माइनस वन, और x की वैल्यू क्या है, माइनस टू, ठीक है। ये माइनस वन और माइनस टू जब मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट करूंगा, ठीक है, तो मेरा फंक्शन क्या आएगा, मेरा फाइनल फंक्शन कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पर्टिकुलर इक्वेशन के वो फैक्टर होते हैं जो पॉलिनोमियल को क्या कर दे, पॉलिनोमियल की फाइनल वैल्यू को जीरो बनाते, ठीक है। आई होप आप सब लोगों को पता चल गया हो, ठीक है, ओके। अब जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं, तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अब देखो, हमने बोला वो फैक्टर जो कि पॉलिनोमियल की इक्वेशन को क्या कर दे, जीरो कर दे, मतलब कि एक्स की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो कर दे। दैट्स मीन एक्स की वैल्यू तो माइनस वन है, ठीक है। अब जैसे मैं कोई भी पॉइंट लिखता हूं तो मैं कैसे लिखता हूं, एक्स वाई की फॉर्म में लिखता हूं, ठीक है। अगर मैं कोई भी पॉइंट लिख रहा हूं तो मैं किसकी फॉर्म में लिख रहा हूं, एक्स वाई की फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पे, माइनस वन, और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस टू, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। मतलब कि ऐसे पॉइंट जब हम कोई भी लाइन को ड्रॉ करें, ऐसे पॉइंट जो एक्स एक्सिस को टच कर रहे हो, क्योंकि ये देखो ये पॉइंट भी कहां पे आएगा, एक्स एक्सिस पे, ये पॉइंट भी कहां पे आएगा, एक्स एक्सिस पे। जब भी हम लाइन को ट्रेस करते हैं तो वाई एक्सिस की वैल्यू जीरो कहां पे होगी, एक्स एक्सिस पे। तो जब जब कोई लाइन एक्स एक्सिस पे कट करेगी, दैट्स मीन वो क्या है, उसका जीरोस है, ठीक है। मतलब कि वो फैक्टर जो y की वैल्यू को क्या कर दे, जीरो कर दे। अगर मैं पहले इक्वेशन की बात करूं तो यहां पे लाइन एक बार भी x एक्सिस को कट नहीं कर रही, दैट्स मीन कि यहां पे कोई भी जीरोस नहीं है, राइट। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो इस इक्वेशन में कितनी बार टच कर रही है, वन में, वन टाइम टच कर रही है, तो यहां पे जीरोस कितने हैं, वन है। इसमें कितनी बार कर रही है, वन टू थ्री, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज थ्री, इन दिस केस वन टू, तो जीरो पॉलिनोमियल टू, इन दिस केस वन टू थ्री फोर, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फोर एंड वन टू थ्री एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज थ्री। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि एक्स एक्सिस को जितनी बार कोई भी लाइन, कोई भी ग्राफ जो है, जो हमने ट्रेस किया, वो टच कर रहा है, वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, मतलब कि ऐसी वैल्यू, ऐसे फैक्टर जो हमारे फंक्शन को क्या कर दें, जीरो कर दें, राइट। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ओके, देयर इज अनदर एडिशनल इंफॉर्मेशन। फर्स्ट प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है, सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें ताकि हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि YouTube के एक एल्गोरिथम होती है, राइट। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन Instagram, ठीक है, यहाँ पे हम एडिशनल जनरल नॉलेज की वीडियोस अपलोड करते हैं, करंट अफेयर डालते हैं, ठीक है, आप वहां से भी अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। हम जितनी भी वीडियोज यहाँ पे डालते हैं उनका लिंक Instagram पे और अपने एजुकेशन सोर्स के टेलीग्राम पे दोनों पे डालते हैं, ठीक है। ये हमारी पर्सनल प्रोफाइल्स है, आप हमें इन पे भी फॉलो कर सकते हैं, इन पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। हम एडिशनल क्लासेस लेते हैं, हम डाउट क्लास, ठीक है, हमारे बैचेस हैं, हम पर्सनल क्लासेस भी लेते हैं, तो आप वो भी हमारे साथ बैच में भी हमारे साथ स्टडी कर सकते हैं, राइट। ओके, थैंक यू एवरीवन।